तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपका फ्री फायर में इतने सारे कैरेक्टर है उनमें से कौन सा कैरेक्टर आपको मतलब यूज करना चाहिए और वो उसका एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और सारे के सारे जो मैं कैरेक्टर बताऊँगा वो फ्री का बताऊँगा। यूट्यूब पर तो भाई बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगी जो कि कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर के बारे में वीडियो बना चुके हैं, पर उन कैरेक्टर उन मतलब वीडियो में तो भाई वही कोई तो आलोक के बारे में बता रहा है, तो कोई क्रोनो के बारे में, कोई स्काइलर के बारे में। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सबके सब फ्री का कैरेक्टर बताऊंगा जिनको आप गोल्ड से खरीद सकते हो या फिर वो एक बहुत बार फ्री में कैरेक्टर जो मिलता है उनमें मिल चुका होगा, ऐसे ही कैरेक्टर बताऊंगा, ना कि कोई भी डायमंड वाला कैरेक्टर बताऊंगा। तो भाई जो नए बंदे आ रहे हैं वो भी इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं बाय करके गोल्ड से स्टोर के अंदर से। तो भाई आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो है पोलोमा कैरेक्टर। तो भाई बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई ये पोलोमा कैरेक्टर तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो भाई वो अच्छा नहीं था पर अपडेट के बाद बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो गया है, क्योंकि भाई ये कैरेक्टर में ना आप 120 एमओ मतलब कोई भी हो जाए, ए आर की एमओ हो जाए, स्नाइपर की एमओ हो जाए, या फिर वो SMG की हो जाए, या फिर शॉर्ट गन की हो जाए, कोई सी भी गन की एमओ, ये आपको 120 आपका बैग का स्पेस को खाली कर देगा। तो भाई आपको क्लासिक में खेल रहे होगे तो भाई क्या कोई भी रैंक मैच में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोअल और ग्रेनेड इकट्ठा करने में आपको बहुत सारा दिक्कत तो जो आ रही है वो यहाँ पर नहीं आएगी। और जो दूसरा कैरेक्टर है हमारा आता है जो है वो केली है, क्योंकि भाई ये केली ना बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि भाई आप रैंक या फिर क्लासिक खेल रहे हो या फिर क्लास स्क्वाड ही खेल रहे हो, क्यों ना भाई ये बहुत ही ज़्यादा मतलब भागने कोई आपका बंदा अपोनेंट में यदि आपके उतरने के बाद आपका जो मतलब जहाँ पे लूट करने के जा रहे हैं वो दूर है, तो भाई वो एनिमी के पास से यदि केली होगा ना बहुत भाई जल्दी पहुँच जाएगा, आप लेट पहुँच जाएगी, उसके बाद आप मर जाएंगे। तो भाई केली हमेशा यूज़ करना। और भाई जो तीसरा कैरेक्टर आता है वो है कि भाई इलाइट हाया, तो इलाइट हाया तो भाई सबके इलाइट हाया तो ही नहीं भाई, इलाइट के जितने भी कैरेक्टर आती है इलाइट एंड्रू हो गया और इलाइट हाय तो केली, इन तीनों के तीनों कैरेक्टर बहुत ज़्यादा तगड़े हैं इलाइट कैरेक्टर में, और ये सारे के सारे फ्री में आपको मिल जाते हैं कैरेक्टर और इलाइट कैरेक्टर भी। तो भाई हमारा जो चौथा कैरेक्टर आता है वो मैक्सिम है। तो भाई मैक्सिम कैरेक्टर आप बताएंगे कैसे भाई अच्छा हुआ, तो भाई ये ना आपको 40% आप लेवल आपका इसका मैक्स कर देते हो ना, इसका भाई जो मेडिकेट लेने का जो फास्ट है वो 40% पूरा फास्ट कर देता है, और आप मान लो अभी रैंक मैच में आप फंस गए तो भाई ये बहुत ही जल्दी आपको मेडी मतलब आपको हील करने साथ आपका जो मशरूम को भी खाने के लिए इसका बहुत ही जल्दी फास्ट खा देता है। तो भाई ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्लास स्क्वाड और क्लासिक में यूज मतलब आने वाली है, तो भाई इस कैरेक्टर को एक बार लेवल मैक्स करके यूज़ कर लेना। और जो भाई हमारा आखिरी कैरेक्टर आता है वो है हुकोंग। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे बंदे बताएंगे भाई ये फ्री में तो हमको नहीं मिला था, तो भाई ये बहुत बार कैरेक्टर जो फ्री में मिलता है मिल चुका है, आपने नहीं लिया है अभी 2 महीने के बाद ही पहले ही मिला था ये कैरेक्टर हमको फ्री में। तो भाई ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो गया है अपडेट के बाद, ये आपको इसका जो कूल डाउन टाइम है बहुत ज़्यादा है, पर इस आप कोई भी किसी को भी नॉक कर देते हैं ना इस कैरेक्टर को यूज़ करते तो भाई ये आप फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला कैरेक्टर है। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई मिलते हो और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।